सोचा नहीं था ये वीडियो बनाने का मौका इतनी जल्दी मिलने वाला है। ये दिन कहाँ निकल गए कहीं पता नहीं चला। तो ये है मेरा स्कूल। इस स्कूल ने हमें भाई हंसना, पढ़ना, खेलना, कूदना सब कुछ सिखा दिया। तो ये हमारा लास्ट गेम्स पीरियड है। ऐसे आधे लोग फुटबॉल, आधे लोग बास्केटबॉल खेलते थे, बट लास्ट डे पे सभी लोगों ने साथ में फुटबॉल खेला। नहीं मिलेगा बम फोड़ने का मौका, नहीं मिलेगा यहाँ घूमने का मौका, नहीं मिलेगा लंच करने का मौका, नहीं मिलेगा मार्च पास करने का मौका, नहीं मिलेगा ट्रूथ एंड डेयर खेलने का मौका, नहीं मिलेगा ब्रीथिंग पोजीशन अप करने का मौका। मन तो नहीं करता यार तुम लोगों से दूर जाने का, लेकिन यार क्या करें, ये दिन भी एक दिन आना ही था। तो अगर आप यहाँ तक मेरे से थोड़ा सा भी रिलेट कर पाए हो तो प्लीज़ इस व्लॉग को एक लाइक और एक शेयर तो बनता है। सो अब चलिए चलते अपने फेयरवेल के व्लॉग की तरफ को। सो हमारा एग्ज़ाम ख़त्म हुआ, 20 को और 21 को था हमारा फेयरवेल। हम फटाफट तैयार हुए और पहुँचे स्कूल में। हाँ तो गाइस अभी गाड़ी की पार्किंग हो चुकी है, हमने अपनी गाड़ी लगा दी और अब चलते हैं एंट्री की तरफ। डायरेक्ट हेलो भाई, भाई कितने खतरनाक लग रहे हो यार। पता नहीं उस दिन से ज्यादा अच्छे लग रहे हैं आज। हां भाई देख रहे हो कितने खतरनाक लग रहे भाई आज। एक लाइन में नहीं, आधे ऐसे आधे आधे करके चलो ताकि। हाँ तो गाइस एंट्री का मतलब ये है कि यार जितने भी 12th वाले हैं उनके लिए 11th वाले अच्छा से स्वागत करेंगे, उनका ताली बजाएंगे, हूटिंग करेंगे। भाई सच बोलूँ तो यार हम लोग की फटी हुई थी, कैसे होगा भाई, पता चला वहाँ गए और रास्ते फिसल गए तो क्या होगा। तो गाइस देखो एंट्री तो कुछ ओजी परफॉर्मेंस अपने जूनियर्स की तरफ से। इन लोगों को डांस देख देख के हम सारे लौंडों का मन कर रहा था कि भाई अब हमें भी नाचने का मौका मिलेगा, हमें भी कुछ हाथ पैर मारने का मौका मिलेगा, लेकिन इन लोगों ने डांस नहीं रखी। सालो याद रखना जब जब नाचोगे मेरी आत्मा तुम लोगों को सताने पक्का आएगी। भाई क्यों नहीं रखा भाई डांस, क्यों दिल मारे।
हाँ भाई डांस के नाम पे यही हुआ है, बस यही। को डांस करते करते देख के हम लोग ने सोचा कि अब हम भी जाएंगे स्टेज पे और हम भी नाचेंगे। यस गाइस, हमने भी नाचा। ये लौंडे हमारी क्लास के सबसे खूबसूरत लौंडे। वाह क्या मुस्कुराहट है। हां तो गाइस अभी हमें मोमेंटो मिलने वाला है। ये ब्लॉगर मिस्टर कॉस्मिक यूट्यूबर सौरभ जोशी व्लॉग्स। हाँ तो गाइस अभी जो हमें ट्रॉफी और मोमेंटो मिला उससे हम रख दिए अपनी गाड़ी में और अब हम जा रहे हैं थोड़ा पेट पूजा करने। सुबह से कुछ नहीं खाया है, बहुत भूखा हूँ मैं। लेट्स अ फ्यू इंचेस लेटर। वन आवर लेटर। हाँ तो गाइस अब बस इतनी सी लाइन रह गई और फिर हमें यहाँ पर खाना मिलेगा। हाँ तो गाइस हमने खाना शुरू कर दिया है। ये क्या हो गया? तो लेना ब्लॉग में भाई। व्यूज और है? व्यूज के लिए तो भाई मैं किसी को भी ले लूंगा। भाई इसका नाम है हैंडसम। अरे हाँ हाँ, ये उन्हीं खूबसूरत लड़कों में से एक है। दुपट्टा बना दो, दुपट्टा बना दो। हमारे लिए विनर तुम ही हो, हमारे लिए विनर तुम ही हो। हाँ तो गाइस अभी हमारा यहाँ से निकलने का टाइम हो गया, हमने ढेर सारी फोटो खिंचवा ली है। ज़्यादा मैं आपसे बात तो नहीं कर पाया बट आपने सब कुछ देखा क्या क्या हुआ यहाँ पर। अब चलो गाड़ी लेते हैं और अभी तो और पार्टी बची है फिलहाल, आफ्टर पार्टी, सो लेट्स गो। उसके बाद हम लोग निकलते हैं आरुष भाई की फार्चुनर में। अब फार्चुनर में निकले हैं तो भौकार टाइट करना ज़रूरी है। अब क्या करें यार, यूपी से है ना और ऊपर से राजधानी लखनऊ से हैं, तो भौकार टाइट करना तो हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। हाँ हाँ नहीं समझ आ रहा था कहाँ पर एंड करूँ। अब स्कूल जहाँ शुरू करा था वहीं ख़त्म कर दिया, तो ये वीडियो भी जहाँ शुरू हुई है वहीं ख़त्म करूँगा। टाटा बाय बाय, पीस आउट। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।